20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, यदि आप
शूरवीर और एक गद्दार जो बहुत मशहूर हुआ, आप सबने उनके बारे में पढ़ा होगा जरूर। मुगल शासक मोहम्मद गौरी जो था, उनकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से थी, और जब पृथ्वीराज चौहान को वो हरा नहीं पा रहा था तो उसने एक षड्यंत्र रचा और उन्हीं के बीच से पृथ्वीराज चौहान से जो अपनी एक दुश्मनी रखते थे उनका नाम था जयचंद, और जयचंद का सहारा लेके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और उनकी आंखें निकाल दी गई थी। लेकिन वो योद्धा थे, उनके रगों में योद्धाओं का खून था, उनकी रगों में देशभक्ति थी, उनकी रगों में उस मां का दूध था जो कि कहते हैं गौरवान्वित, जो एक मां दूध पिलाते वक्त अपने बच्चे को कहती है कि बड़ा होकर नाम रोशन करना। तो वो खून पृथ्वीराज चौहान के रगों में दौड़ रहा था, जिस वक्त उनकी आंखें निकल चुकी थी और वो मोहम्मद गौरी के सामने एक बेड़ियों में बने हुए खड़े थे, तो उनके किसी मित्र ने मोहम्मद गौरी से बोला कि मेरा मित्र तीरंदाज बहुत जबरदस्त है। तो वहां सभा में सब हंस रहे थे, मोहम्मद गौरी भी हंस रहा था, वो कह रहा था ये तेरा अन्ना मित्र ये तीर कैसे चलाएगा। वही पृथ्वीराज जी चौहान मन ही मन में ये संकल्प ले रहे थे कि मैं आज इस गौरी का अंत करके रहूंगा। हालांकि आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में जज्बा था, एक हिम्मत थी, और उन्होंने जैसे ही उनके हाथ में तीर और कमान आए और जैसे ही उन्होंने मोहम्मद गौरी की हंसने की आवाज सुनी, तो ना केवल उन्होंने वो एक तीर में मिला था, पूरा तीर एकदम निशाने पे लगाया। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ने की कोशिश की, भरसक कोशिश की गई, और यहाँ तक कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चुटाला को जेल में डाल दिया गया। फिर भी जब इंडियन नेशनल लोकदल नींद टूटी, आदरणीय माननीय अभय सिंह जी चुटाला ने उसको मजबूती से इंडियन नेशनल लोकदल को खड़ा कर दिया, तो फिर षड्यंत्र हुआ, फिर अपने से कुछ जयचंद निकल के चले गए। Yeah.